हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम देख रहे होंगे अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स के दूसरे लेक्चर को। आई होप आपकी पहली लेक्चर की कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको पहले लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर मैं लाइव डाउट सेशन लेता हूँ। नोट्स, असाइनमेंट्स, आपके MCQ क्वेश्चंस, माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, मैं सब कुछ वहाँ पर आपको हेल्प करता है। व्हाट्सएप ग्रुप एक क्लोज ग्रुप है, मैं उस ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो। सेकेंड ईयर के मैं सारे लेक्चर्स, लाइव डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, सब कुछ मैं वहां पे लेने वाला हूं, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, पिक्सल्स के बारे में, रिजोल्यूशन के बारे में। अगर आपने पहले लेक्चर को नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके देखो ताकि आपके आगे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट मोड एंड ग्राफिक्स मोड। अब इससे पहले हम ये जानते हैं कि मोड क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है। तो मोड का सिंपल सा मतलब ये है कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या हुआ मोड का, जब हम बोलते हैं कि मोड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, मोड इन CGR, CGR stands for computer graphics, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। मोड का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी चीज़ हम रिप्रेजेंट करते, चाहे वो टेक्स्ट क्यों ना हो, चाहे वो ए अल्फ़ाबेट हम लिखते हैं, या फिर कोई एक सेव की पिक्चर होती है, कोई भी पिक्चर होती है, या फिर अल्फ़ाबेट हो या फिर वो पिक्चर हो, दोनों को हम पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बोलते, इमेज रिप्रेजेंटेशन बेसिकली बोलते, कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन पे अपने, उसको हम लोग बोलते ग्राफिक्स मोड या फिर टेक्स्ट मोड, बेसिकली मोड ऑफ ग्राफिक्स या फिर मोड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, कि किस तरीके से आप अपने इमेज को, पिक्चर को अपने सिस्टम के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें दो मेजर टाइप के मोड्स होते हैं, मतलब दो तरीके से आप अपने टेक्स्ट को, कैरेक्टर को, इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला मोड क्या होता है हमारा, टेक्स्ट मोड। ये है सबसे पहला मोड, क्या है हमारा, टेक्स्ट मोड। दूसरा मोड क्या है हमारा, ग्राफिक्स मोड। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बट बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, और MSBT डिप्लोमा एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अगर आपकी एग्जाम MCQ होती है या फिर थ्योरी होती है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट मोड को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि टेक्स्ट मोड को हम, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक्स मोड बहुत ही आसान है, ग्राफिक्स मोड में ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें होती नहीं है, तो टेक्स्ट मोड को आपको ध्यान समझना है, क्योंकि टेक्स्ट मोड से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहला पॉइंट कि टेक्स्ट मोड को ही हम क्या करते हैं, कैरेक्टर मोड कहते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में आपके डालता हूं या फिर MCQ में पूछता हूं आपसे कि कैरेक्टर मोड के बारे में बताओ, तो वो टेक्स्ट मोड को ही रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला पॉइंट, कैरेक्टर मोड और टेक्स्ट मोड दोनों सेम है। इसको ही हम दूसरे नाम से कहते हैं अल्फा न्यूमरिक मोड। यह भी ध्यान रखना कि अल्फा न्यूमरिक मोड, ठीक है। इसको टेक्स्ट मोड को ही हम लोग कहते हैं कैरेक्टर मोड, और अल्फा न्यूमरिक मोड दोनों नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट कि जब भी हम बात करते हैं मोड की, ग्राफिक्स मोड की, मैंने आपको पहले बताया कि ये स्क्रीन पर रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। हम लोग जानते हैं कि हम स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप पिक्चर्स बना सकते हो, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अलग अलग टाइप के शेप बना सकते हो। तो जो टेक्स्ट मोड होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, हमें बस प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट मोड की और ग्राफिक्स मोड की। तो टेक्स्ट मोड जो हमारा होता है, बेसिकली इसको हम लोग कैरेक्टर मोड और अल्फा न्यूमरिक मोड भी कहते हैं। इस मोड में अगर आप पर्सनल कंप्यूटर पे अपने काम कर रहे हैं तो ये जो मोड होता है हमारा टेक्स्ट मोड, ये क्या करता है, आपके स्क्रीन को डिवाइड करता है रोज एंड कॉल्यूम्स में। किस में डिवाइड करता है, रोज एंड कॉल्यूम्स में। ये होते हैं आपके कॉल्यूम्स, अगर आपको नहीं पता हो तो ये होते हैं आपकी कॉल्यूम्स, जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती है, जो सीधी लाइन होती है ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम जो लाइन आती है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉल्यूम्स को। और जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन आता है, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट भी आप बोल सकते हो, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है रोज को। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये जो लाइन होती है ये होती है आपकी रोज, और ये जो कॉल्यूम्स ये होती है ये आपकी होती है कॉल्यूम्स। अब टेक्स्ट मोड में क्या होता है कि आपके डिस्प्ले स्क्रीन को, सपोज करो ये हमारा स्क्रीन है, इतना बड़ा हमारा डिस्प्ले है, मॉनिटर है, टेक्स्ट मोड में आपके पूरे स्क्रीन को ये रोज एंड कॉल्यूम्स में डिवाइड कर देता है। और हाँ, अब ये भी स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू होती है कि कितने रोज होंगे और कितने कॉल्यूम्स होंगे। उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि रोज एंड कॉल्यूम में डिवाइड करने के बाद क्या होता है। जितने भी बॉक्स हैं, 1 box, 2 box, 3 box, जितने भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, जितने भी बॉक्स हैं, ये सारे बॉक्स में एक एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हर एक बॉक्स में एक कैरेक्टर होता है, हर एक बॉक्स एक कैरेक्टर को ऑक्यूपाई कर सकता है। सपोज करो हमें लिखना है प्रिंस, तो ऐसे P
RINCE इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हर एक बॉक्स एक कैरेक्टर को ऑक्यूपाई कर सकता है, हर एक बॉक्स एक कैरेक्टर को कंटेन कर सकता है, मतलब एक बॉक्स के अंदर हम एक कैरेक्टर को डाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट मोड रोज एंड कॉल्यूम्स के तरीके में, कि ये आपके पूरे स्क्रीन को रोज एंड कॉल्यूम्स में डिवाइड करता है। अब ये जो कॉल्यूम्स की जो नंबर होती है वो कितनी होती है, तो 80 कॉल्यूम्स होते हैं आपके। कितने कॉल्यूम्स होते हैं, 80 कॉल्यूम्स। एंड रोज की जो संख्या होती है वो होती है 25 रोज। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी चीज़ें, कैमरा के फ्रेम से बाहर नहीं होगा, स्टिल मैं नैरेट भी कर रहा हूँ, अगर कैमरा के फ्रेम से बाहर चला गया होगा तो मैं नैरेट कर देता हूँ। जो कॉल्यूम्स की संख्या होती है वो होती 80 कॉल्यूम्स। यहाँ पे मैंने 80 कॉल्यूम्स नहीं बनाए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉल्यूम्स हैं क्योंकि जगह छोटी थी। बट आप ये समझो कि जब हम स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं तो टेक्स्ट मोड हमारे पूरे स्क्रीन को 80 कॉल्यूम्स में डिवाइड करता है, 80 अलग अलग कॉल्यूम्स हैं। 1 जैसे मैंने 7 तक बनाया, यहाँ पे 80 कॉल्यूम्स होंगे पूरे स्क्रीन पे, 80 कॉल्यूम्स होंगे। और रोज कितने होंगे, 25 रोज होंगे। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कितने रोज बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 रोज दिख रहे हैं, बट 5 रो नहीं होते, मैंने आपको एग्जांपल में बताया। एक्चुअल में टेक्स्ट मोड के अंदर आपकी स्क्रीन जो होती है वो कितने रोज में डिवाइड होती है, 25 रोज में, 80 कॉल्यूम्स में और 25 रोज में आपकी चीज़ें डिवाइड होती हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे हर एक कॉल्यूम एक कैरेक्टर को ऑक्यूपाई कर सकता है, तो मतलब कितने कैरेक्टर्स हो गए आपके स्क्रीन पे, 80। अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ तक आपके 80 कैरेक्टर हो जाएंगे, और अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो मतलब 25 लाइंस ऑफ 80 कैरेक्टर। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि एक लाइन में आपके 80 कैरेक्टर, मतलब 80 अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हैं, और उस वैसे 80 अल्फाबेट्स की आपके पास 25 लाइंस हो जाती है टेक्स्ट मोड के अंदर। ठीक है, तो इतने पॉइंट काफी हैं आपके MSBT डिप्लोमा एग्जाम के लिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करनी, बहुत सारे बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स दिया हुआ है। यूट्यूब पे कहीं पे भी इस सब्जेक्ट को लोग टच नहीं करते, कोई भी कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर को MSBT ओरिएंटेड नहीं बनाता है, MSBT सिलेबस के ओरिएंटेड नहीं बना रहा है। मेरा इस चैनल पे हमेशा से फोकस रहा है कि मैं MSBT की चीज़ें को पढ़ाता हूँ, तो MSBT सिलेबस में जितनी भी चीज़ें आपको जाननी है मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें बताता हूँ। तो मैंने आपको इसलिए टेक्स्ट मोड जितना आपको MSBT के लिए चाहिए मैंने आपको उतना बता दिया। अब स्टिल इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको वो असाइनमेंट्स में और MCQ एग्जाम में और मॉक टेस्ट में और MCQ क्वेश्चंस बैंक में मैं आपको वो क्वेश्चंस डाल देता हूँ। वो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा मैं एक बार फिर से बता दूँ कि वो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो टेक्स्ट मोड आपको समझ में आ गया कि टेक्स्ट मोड को हम कैरेक्टर मोड भी कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक मोड भी कहते हैं। इस मोड के अंदर आपके जो पर्सनल स्क्रीन होती है उसको कॉलम्स एंड रोज में डिवाइड करता है। थर्ड पॉइंट, कितने कॉल्यूम्स होते हैं, 80 कॉल्यूम्स हमारे होते हैं, 80 कॉल्यूम्स में इसको एक बार राउंड कर देता हूं, 80 कॉल्यूम्स होते हैं और रोज कितने होते हैं, 25 रोज होते हैं। मतलब आप एक लाइन में 80 कैरेक्टर्स को डाल सकते हैं और 25 लाइंस ऑफ कैरेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है, इतना पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी है। यहां पे एक और पॉइंट आता है कि जो भी ये होता है इसको हम लोग एरे ऑफ बॉक्सेस भी बोलते हैं। अगर MCQ एग्जाम में आता है आपके तो आप इसको एरे ऑफ बॉक्स भी बोल सकते हो या फिर एरे ऑफ डॉट्स। एरे ऑफ डॉट्स और एरे ऑफ बॉक्स, ये पॉइंट याद रखना, मैंने नोट्स में ये पॉइंट डाला है, आप नोट्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी टेक्स्ट मोड की पार्ट क्लियर होगी। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम लोग ग्राफिक्स मोड पढ़ने वाले। मैं इसको हटाता हूँ, फिर हम लोग ग्राफिक्स मोड को देखते हैं कि ग्राफिक्स मोड क्या होता है। हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था कि हमने पिक्सल्स और रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। पिक्सल बेसिकली, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँ, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन आवर प्रेजेंट इन आवर स्क्रीन। मतलब हमारे स्क्रीन पर जो सबसे छोटी सी एलिमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पिक्सल, या फिर आप डॉट भी बोल सकते हैं। ठीक, क्या बोल सकते हैं, आप डॉट भी बोल सकते हैं। तो हम लोग ग्राफिक्स मोड में क्या होता, हमने टेक्स्ट मोड में समझ लिया, टेक्स्ट मोड में क्या था हमारा, अल्फा न्यूमेरिक मोड था जहां पे आपके पास रोज एंड कॉल्यूम्स थे। अब ग्राफिक्स मोड में क्या होता है, ग्राफिक्स मोड एक्चुअल इमेज रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। यहां पे कोई भी आपको रोज एंड कॉल्यूम्स में चीजें डिवाइड नहीं होती है। टेक्स्ट मोड हम यूज नहीं करते किसी भी जगह पे, अब हम लोग हर जगह पे ग्राफिक्स मोड यूज कर रहे हैं। ग्राफिक्स मोड में क्या होता है कि आपकी जो स्क्रीन होती है उस पर जो भी चीजें रिप्रेजेंट होंगी वो विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स होंगी। क्या होंगी, पिक्सल्स के द्वारा आपकी चीजें रिप्रेजेंट की जाएंगी। और पिक्सल्स क्या होता है, एक छोटा सा डॉट, ये डॉट को हम पिक्सल बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। पिक्सल इज नथिंग बट योर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट इन स्क्रीन। जो डॉट होता है, ये डॉट जो है, जिस डॉट से मिलके हमारी पूरी पिक्चर बनती है हम उसको बोलते हैं पिक्सल। अभी आप अपने कैमरा से फोटोज क्लिक करते हो, अगर आप अपने कैमरा से फोटो क्लिक करते हो आपको फोटो बहुत ही शानदार लगती है, एकदम नॉर्मल लगती है, बट वो जो फोटो है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बने हुए हैं। आपने यूट्यूब आप चलाते हो तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि हम लोग क्वालिटी बढ़ाते हैं, वीडियो क्वालिटी क्या होता है 108p,
108p करती है, बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। 480p उतनी अच्छी क्वालिटी, 360p इससे लो, 240 इससे भी लो। मतलब पिक्सल्स जैसे जैसे घट रहे हैं वैसे वैसे क्वालिटी भी घट रही है। क्यों? क्योंकि पिक्सल का मतलब होता है 108p, मतलब 1080 पिक्सल्स हैं उसमें। जितनी ज़्यादा पिक्सल होंगी उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे जो सेपरेशन, जो गैप है वो कम होगा। गैप हो कम होगा तो क्या होगा, पिक्चर क्वालिटी और ज़्यादा हाई डेफिनेशन HD क्वालिटी बनेगी। तो ग्राफिक्स मोड में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम रिप्रेजेंट करें वो पिक्सल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अगर यहाँ पे हमें A डालना है तो हम A कैसे लिखेंगे, ASS डॉट 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 A। ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 क्यों आ रहा है आपको, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे मार्कर से बताया। बट आपको कभी भी स्क्रीन पे डॉट डॉट नहीं आता क्योंकि पिक्सल्स इतने पास पास होते हैं, सब उसको पिक्सल्स इतने ओवरलैप्ड होते हैं कि आपको कभी समझ में नहीं आता कि डॉट डॉट पिक्सल से बना। बट वो लेटर जो पूरा अल्फाबेट होता है A, वो इस तरीके का आपको दिखता है क्योंकि पिक्सल्स इतने पास पास होते हैं। अगर जाहिर सी बात है कि इस लाइन के अंदर आप अगर आप 10 लाख पिक्सल्स डाल दो तो क्या पता चलेगा, डॉट डॉट नहीं पता चलेगा, एक भी स्पेस नहीं दिखेगा आपको। यहीं पे आप अगर आपने 10 पिक्सल का यूज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गैप पता चल रहा है। अब हमने पिक्सल्स और बढ़ाया, क्वालिटी और बढ़ाई, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 पिक्सल्स बढ़ाया, तो क्वालिटी गैप थोड़ा सा कम हुआ। अब और पिक्सल्स बढ़ाते हैं, हमने यहाँ पे 100 पिक्सल डाला तो और गैप कम हुआ। अब और ज़्यादा करेंगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, मतलब गैप पूरा ही कम हो जाएगा। तो ग्राफिक्स मोड में क्या होता है, हम कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम रिप्रेजेंट करते हैं पिक्सल्स के द्वारा। और पिक्सल इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट यूनिट प्रेजेंट इन योर स्क्रीन, और इसी पे हमारा रिजोल्यूशन डिपेंड करता है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स, काउंट ऑफ पिक्सल। जब हम बात करते हैं हाई रेजोल्यूशन वीडियो, हाई रेजोल्यूशन इमेज की, उसका सिंपल सा मतलब होता है कि उसमें पिक्सल्स की संख्या ज़्यादा है। कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पिक्सल्स का मतलब, पिक्सल का मतलब एक डॉट, रिजोल्यूशन का मतलब कि नंबर ऑफ डॉट, कि ये डॉट जो है स्क्रीन पे कितनी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी पिक्चर की, जैसे 1920 जो इमेज होती है काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है, हाई डेफिनेशन इमेज। मतलब क्या, यहाँ पर पिक्सल्स की संख्या ज़्यादा है 240 के मुकाबले। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई होप मेरी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। स्टिल अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, कुछ भी डाउट होता है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। जनरली मैं ये चीज़ें करता हूँ, व्हाट्सएप की चीज़ें ये मैं अपने प्रीमियम कोर्सेज में करता हूँ, बट आई ट्रूली फील कि आपको सेकेंड ईयर, आपका थर्ड ईयर में जो मेरी कोर्स है, जो बहुत ही फेमस कोर्स है, उस कोर्स में आने से पहले आपको थोड़ा प्रिपेयर होना है मेरे साथ। मेरे साथ जो मेरी फ्लो है, जो मेरी स्पीड, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, उसमें आना है आपको। इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर दिया है सबके लिए। वहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट्स, नोट्स, MCQ क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट सारी चीज़ें कराता हूँ। संडे को हमारा लाइव सेशन होता है, वो लाइव सेशन कभी मिस नहीं करना। लाइव सेशन में हम लोग रिवीजन कर रहे होते हैं, डाउट पूछते हैं, आप लाइव इंटरेक्शन करते हो, मुझे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर कोई यहाँ पे डाउट आता है तो। बट स्टिल आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी हमारे सेकेंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे सब MSBT एग्जाम के ओरिएंटेड होंगी, MSBT सिलेबस के ऊपर होंगी। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है एग्जाम के लिए आपको। ओके फाइन, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस टाइम पे मिले। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो ताकि सारे दोस्तों के बीच में ये वीडियो फैले, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़े, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का। और जल्दी जल्दी हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे होंगे इसी चैनल पर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।